हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और मज़े में होंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित गायकवाड़ एरोंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एरोंस का 12 इंची नियोडिम मैग्नेट स्पीकर, जिसका मॉडल नंबर है 12NEO75। लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं और इस प्रोडक्ट का लाइव डेमो भी देने वाले हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप ये मिस करें। एरोंस प्रोडक्ट के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि ये अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम 12NEO75 इस स्पीकर के बारे में जानते हैं। ये 12 इंची नियोडियम मैग्नेट प्योर मिड स्पीकर है। इसका आउटपुट पावर 400 वॉट RMS है। वॉइस कॉइल 3 इंची इन आउट है। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 50 हर्ट्ज से 5000 हर्ट्ज से। इम्पीडियंस 8 ओम है। इसका वजन 4 किलो 37 ग्राम है। ये स्पीकर आप लाइनरी बुलेट टॉप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डीजे और लाइव प्रोग्राम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम 12NEO75 इस स्पीकर को अनबॉक्सिंग करते हैं। हमने अभी 12NEO75 इस स्पीकर को अनबॉक्सिंग कर दिया है। सबसे पहले हम आपको इस स्पीकर की बैक साइड दिखाते हैं। बैक साइड में यहाँ पे एरोंस का ब्रांडिंग लोगो है और स्पीकर का मॉडल नंबर भी दिया गया है 12NEO75, और स्पीकर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। उसके नीचे ही ये नियोडियम मैग्नेट है। ये नियोडियम मैग्नेट का ग्रेड जो है N42SH है, और इस मैग्नेट के बीचों बीच एक बड़ा वेंटिलेशन एयर होल दिया गया है, जिसके वजह से ये स्पीकर का मैग्नेट जो है और वॉइस कॉइल ठंडा रहते हैं। अभी हम आते हैं बास्केट की तरफ। ये बास्केट जो है बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है और मजबूत भी है। तो अभी हम आते हैं पुश टर्मिनल्स की तरफ। ये पुश टर्मिनल्स जो है कलर कोडिंग के साथ दिए गए हैं, क्योंकि जब आप स्पीकर की वायरिंग करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाए और जल्दी भी हो जाए। और नीचे की तरफ ये मेन लीड वायर है जो स्पीकर को अंदर तक कनेक्ट कर दी गई है, और सेफ्टी के लिए इसके ऊपर ब्लैक स्लीव चढ़ाया गया है। अभी हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये 12NEO75 इस स्पीकर की फ्रंट साइड है। बहुत ही अच्छी तरीके से और प्रॉपरली राउंड शेप में डिज़ाइन किया गया है। कॉन पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और सस्पेंस भी बहुत अच्छी तरह से और स्मूथली हो रहा है। आप सभी को इसकी कॉन पेपर की क्वालिटी और अच्छी तरह से पता चले, इसके लिए हम आपको इसकी रिकॉन किट दिखाते। हमने अभी 12NEO75 इस स्पीकर की रिकॉन किट को अनबॉक्सिंग कर दिया है। ये कॉन पेपर है, ये आप देख सकते हैं कॉन पेपर की क्वालिटी कितनी अच्छी है। और जैसे कि हमने आपको बताया था, 12NEO75 इस स्पीकर की वॉइस कॉइल जो है इन और आउट है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं वॉइस कॉइल की तरफ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है वाइंडिंग है, ये अंदर की तरफ भी है इस वॉइस कॉइल के और बाहर की तरफ भी वाइंडिंग है। और ये 12NEO75 इस स्पीकर का ये स्पाइडर है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये ग्लू किया गया है। ये है मेन लीड वायर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये वायर इस्तेमाल की गई है, और इस वायर के सेफ्टी के लिए इसके ऊपर ब्लैक स्लीव चढ़ाया गया है। ये डस्ट कैप है, ये कॉन पेपर के बीचों बीच लगता है कुछ इस तरह से। और ये बास्केट रबर है, ये बास्केट रबर जो है कॉन पेपर के साइड में लगते हैं कुछ। यहाँ पे जो ये पीले रंग में जो है, ये इस स्पीकर का स्पाइडर है जो बहुत अच्छी तरीके से ग्लू किया गया है।
अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।